एक वक्त था शेर तकरीबन पूरे एशिया और यूरोप में पाए जाते थे, आज ये सिर्फ इसी जगह सिमट कर रह गए हैं। हर जगह राजाओं और नवाबों से लेकर देहातियों तक ने इनका इतना शिकार किया कि शेरों का वंश मिटने तक पहुंच चुका था। 20वीं सदी आधी गुजरने तक भारत के बाहर इनका नामोनिशान मिट गया। भारत में भी ये सिर्फ 20 के करीब ही बचे थे, लेकिन फिर जूनागढ़ के नवाब ने शेरों के शिकार पर रोक लगाकर इन्हें खत्म होने से बचा लिया। आज भारत में 500 से भी ज्यादा जंगली शेर हैं। इसे कहते हैं वंश रक्षा। आज गिर फॉरेस्ट में जिंदगी की अच्छी चहल पहल है। शेरों के लिए यहां भरपूर शिकार है। ढोर डंगर दूर रहने से जंगली जिंदगियां भी खूब खिली हैं। चीतल पहले से 10 गुना ज्यादा हो गए हैं, सांबर 5 गुना, जंगली शूकर और भारत की सबसे बड़ी एंटीलोप नीलगाय 3 गुना। फिर तो यहां शेर के लिए शिकार की बहार होनी चाहिए, पर यही धारणा तो गलत है। दरअसल जानवरों की भरमार हो तो शिकार करना और मुश्किल हो सकता है। भोजन की तलाश में लंगूर और चीतल अक्सर साथ साथ ही घूमते हैं। दूर से शेर को आते देख ये लंगूर और बंदर शोर मचाकर चीतल को खबरदार कर देते हैं और शेर के लिए यहां ये अकेली दिक्कत नहीं है। घने जंगल में शेर के लिए दूर तक देखना मुश्किल होता है, पर सुनना आसान। इस शेरनी को बहुत भूख भूख कर कदम रखना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ये बहुत सब्र से दबे पांव शिकार के एकदम करीब पहुंचेगी, तभी एक झपट्टे में उसका काम तमाम कर पाएगी। पर करीब आते आते मौका हाथ से निकल गया। गिर फॉरेस्ट में शेरों की सबसे बड़ी दिक्कत है ये सूखे हुए पत्ते, जो पूरे जंगल में बिछे रहते हैं और खरखराकर शिकार करना दूभर कर देते हैं। पिछले कुछ अरसे में शेरों की तादाद संरक्षित जंगल से ज्यादा जंगल के बाहर बढ़ी है। आज पूरे दक्षिणी गुजरात में शेर पाए जा रहे हैं। यहां शेर और आदमी के बीच बड़ा अनूठा सा रिश्ता बन गया है। यहां शेर समाज का सम्मानित सदस्य है, उसकी खास हिफाजत की जाती है। फॉरेस्ट रेंजर्स ने दो श्रेणियों को लुभाकर खुले में लाने के लिए एक मरा हुआ मवेशी डाल रखा है। उनका ख्याल है कि एक शेरनी की टांग टूट गई है। गुजरात में बीमार शेरों पर बंदूक चलाई जाती है, पर उन्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से बेहोश करने के लिए। दुनिया में सिर्फ 500 एशियाई शेर हैं, इसलिए एक एक शेर अनमोल है।
वो उसकी हालत का अंदाजा लगाते हैं और तय करते हैं कि उसे अभी और इलाज की जरूरत है। रेस्क्यू सेंटर में घायल शेरनी भी वहीं पहुंच जाती है जहां दूसरे खूंखार जानवर अपना इलाज करवा रहे हैं। यह शेरनी एक कुएं में गिर पड़ी थी और डूबते डूबते बची है। इस शेरनी ने एक आदमी को मार डाला था। अब ये और इसके दो गुस्सैल बच्चे तब तक यही रहेंगे जब तक कि टीम इनके भविष्य के लिए प्लान नहीं बना लेती। आदमखोर शेरनी को पकड़ने के दो हफ्ते बाद उसका फैसला हो गया। पता चला कि चार लोगों ने अचानक उसके पास आकर उसे चौंका दिया था। वो अपने बच्चों के लिए डर गई और उन पर खाया नहीं। इसीलिए फैसला किया गया कि वो इंसानों के लिए खतरा नहीं है। उसे आजाद किया जा सकता था पर किसी और इलाके में जहां आबादी कम हो। यह हादसा किसी और देश में हुआ होता तो इस शेरनी को कब का मार दिया गया होता। स्थानीय लोगों को शेर कबूल हैं, इसके बावजूद कि वो कभी कभी उनके मवेशी खा जाते हैं। यहां तक कि अगर कभी वो किसी इंसान को भी मार डालें तो यहां उन्हें सजाए मौत नहीं दी जाती। जानवर के लिए इंसान का इससे बड़ा बलिदान और क्या होगा। ये इन्हीं लोगों का हौसला और इंसानियत है जो शेरों के पड़ोस में उनसे मिलजुल कर रह रहे हैं।